सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नहीं यार आवाज काफी डल साउंड कर रहा है अभी मतलब सुब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किए सभी लोगों ने नाश्ता करके आए हो ना तो आवाज भी वैसा आना चाहिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड 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 वेरी गुड चलिए सो दोस्तों आज से हम लोग शुरू करेंगे हमारा अकाउंटिंग जर्नी मतलब सीए फाउंडेशन का

तो सर जी सबसे पहली बात मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं यहाँ पे आप लोग नाम देख पा रहे हो मेरा नाम है अभिजीत सेंगुप्ता ठीक है बाय क्वालिफिकेशन आई एम एस सी ए फ्रॉम यूएसए ठीक है एंड uh, अभी मुझे 21 इयर्स हो चुके हैं पढ़ाते हुए एंड आई स्पेशलाइज इन टीचिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये तीन यानी अकाउंटिंग के ही भाई बहन समझ लो फिलहाल सर ये सब क्या होते हैं सर? ये सब तो हमें कोई पता ही नहीं है। अरे भाई कुछ नहीं यार सब भाई बहन है कजन भाई बहन है आई टीच आई स्पेशलाइज इन सी फाउंडेशन अकाउंटिंग ठीक है मेरा एक्सक्लूसिव फोकस है सबसे ज्यादा ऑन सी फाउंडेशन अकाउंटिंग मुझे बच्चों का बेसिक्स क्लियर करना बहुत अच्छा लगता है ठीक है अगर आप लोग कोई भी चीज पढ़ने जा रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली और केस में भी लेकिन पढ़ाई की दुनिया में बेटा शॉर्टकट बहुत ज्यादा आ गए ठीक है है अकाउंट्स की दुनिया में भी सीधी सी बात काफी ज्यादा शॉर्टकट्स आ गए अरे यार ऐसा कर देने का काम हो गया वैसा कर देने का काम हो गया ठीक है बट एट द सेम टाइम अगर आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हो तो जरा सोच के देखो बेटा आप लोग किसी डॉक्टर के पास गए हो डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल राइट

ठीक है अब पायलट बोलता भाई ये वाला पार्ट जो मेरे नोट्स में था ना इसको मैंने शॉर्टकट में पढ़ दिया था अभी मुझे आइडिया नहीं क्या करने का है इमेजिन व्हाट विल हैपन इन दैट केस है ना सो so दोस्तों जब हम लोग प्रोफेशनल बनते हैं यू आर एक्चुअली टेकिंग अ रिस्पांसिबिलिटी गेटिंग मी तो अगर इस रिस्पांसिबिलिटी को उठा रहे हो तो भैया निभाना तो पड़ेगा है ना तो इसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिगिन करेंगे तो एक बात प्लीज सभी लोग ध्यान में रखना जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो इसके दुनिया भर के शॉर्टकट्स अवेलेबल होंगे दुनिया भर के ठीक है अरे यार ऐसा आधा पढ़ने का आधा क्या इतने ही पढ़ने का अरे इतना भी का उससे भी कम पढ़ने का ऐसे दुनिया भर के शॉर्टकट्स अवेलेबल होंगे youtube का जमाना है youtube में तो शॉर्टकट्स भरे पड़े ठीक है ना आपको ऐसा पता चलेगा कि यार इसके लिए यारो घंटे नहीं घंटे अरे दो भी क्या? सौ अरे सौ नहीं, आगे बढ़ोगे तो सही प्रोफेशनल नहीं बनोगे ठीक है तो यही बात आप सबको ध्यान में रखना है और इसी ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते मुझे इन टोटल ट्वेंटी वन ईयर हो चुके हैं पढ़ाते हुए मतलब आप सबका एज भी मेरे का से उतना भी नहीं है राइट right? तो एनीवेज तो इस एक्सपीरियंस को मैं अपनी तरफ से जितना हो सके आपके पास ट्रांसफर करने की पूरी कोशिश करूंगा ठीक है दोस्तों एट द सेम टाइम अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वेरी प्रैक्टिकल है ना मतलब इसमें कैलकुलेशंस होते हैं मजा आएगा यानी है ना कैलकुलेशंस होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के एंड एट द सेम टाइम आपको अगर मैं कहूं तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जिस चीज से आपका सबसे पहले सामना होगा वो यही है अकाउंटिंग ठीक है और एंड तक से सामना होता रहेगा मतलब यू गाइस आर गोना बिकम द गॉड ऑफ अकाउंटिंग है ना अकाउंटिंग नामक चीज में अगर पूरे इंडिया में कोई भी अटके चाहे वो साधारण आदमी हो या स्वयं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो कोई भी हो अगर कोई भी अटका तो वो सोल्यूशन किससे एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वो आपके पास आएंगे तो हमें वो लेवल का तैयारी करना है कि अगर कुछ नया भी आ जाए आज तक किसी किताब में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है कुछ नया आ गया तो सर हमारे पास आ जाओ हम इसका सोल्यूशन बता देंगे फीस लेंगे अलग से मी भैया इसी से हमारा पापी पेट मतलब समझ गया ना बात को पैसे यहीं से आने वाले

राइट right. ये सब चीजों से फर्क पड़ेगा एनीवेज तो व्हाटएवर ठीक है अच्छा अभी तक इतना तो समझ में आ गया भैया कि हम लोग पढ़ाई तो करेंगे लेकिन साथ ही साथ थोड़ा मजाक मस्ती करते हुए पढ़ाई करेंगे है ना क्योंकि यार थोड़ा यू you नो know, अच्छा खासा लेवल होता है सीए का लेवल सुना ही होगा आप लोगों ने तो वो लेवल को अगर मैं टेंशन के साथ प्रेशर के साथ अगर पढूंगा तो

कि दोस्तों देखो सीए का जो जर्नी है इस जर्नी में अकाउंट्स के सिलेबस में मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होगा और ये अलग तरीका क्या है दिस इज अ वेरी वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका ठीक है मेरे हजार के ऊपर स्टूडेंट्स हैं जो 90 प्लस कोर कर चुके हैं और मैं चाहता हूं कि उसी गिनती में आप लोग भी इन्वॉल्व हो जाओ और सीए की जर्नी में 90 प्लस लाना मतलब मजाक नहीं है ठीक है तो प्लीज ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम लोग जो शुरुआत करेंगे ये शुरुआत थोड़ा सा मैं आपके लिए डिफिकल्ट बनाऊंगा मैं पहले दिन इस बात को क्लियर कर रहा हूं शुरुआत थोड़ा सा मैं आपके लिए डिफिकल्ट बनाऊंगा ठीक है शुरुआत डिफिकल्ट लेकिन एंड विल बी सुपर डुपर स्मूथ समझे मेरी बात को यहां उल्टा भी हो सकता है शुरुआत बड़ा इजी होगा बट एंड में सारे डिफिकल्टी आएंगे

फॉर सेपरेटली फॉर सी ए फाउंडेशन अकाउंटिंग बनाया है कि वो एक ही रफ रजिस्टर है सर उसी में हम लोग सब लिख रहे हैं उसी में अकाउंट्स उसी में इकोनॉमिक्स उसी में हमारे बाकी के सब्जेक्ट्स ठीक है ना बचपन से वैसे ही आता था सर है सर तो बॉयज में से स्पेशली हाथ उठाओ भाई कितने जनों ने अकाउंट्स के लिए सेपरेट रजिस्टर बनाया है फॉर सी फाउंडेशन हेलो भाई ओके आधी जनता भी हाथ नहीं उठा रहे ठीक है थीके? वैसे मराठी में एक प्रोब है जस दिस्त तस नस्त तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं गर्ल्स कितने जनों ने सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के लिए नया रजिस्टर बनाया है भाई साहब बॉयज देखो भाई एक बार जस्ट देखो एक बार देखो कितने जनों ने हाथ उठाया कुछ तो शर्म करो यार है ऐसी गर्ल्स को सिंसियर नहीं बोला जाता बॉयज भी थोड़े बहुत ऐसा सिंसियरिटी दिखाओ भाई गेडिंग में चलो ठीक है सर ओके okay. तो जितने जनों ने रजिस्टर्ड अभी बना लिया है वो लोग अपने रजिस्टर में मैं कुछ लिखने के लिए आपको कहूंगा सबसे पहले वो चीज लिखोगे और एट द सेम टाइम जिन्होंने अभी तक रजिस्टर ही नहीं बनाया

तो कितने पैसे खर्च होने वाले हैं ये सब चीजें पता होनी चाहिए अकाउंट्स में में हम लोग बस पैसों के ही बारे ठीक अच्छा है, तो तो है।, है ओके चलो तो सबसे पहले अपने रजिस्टर के सबसे पहले पेज में मैं चाहता हूं हो सब लोग कुछ बातों को लिख लो क्या बातों को लिखोगे आई वॉन्ट यू टू राइट कुछ इस तरह से सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे और नाम लिखते वक्त वहां पर वर्ड एड करोगे फ्यूचर सी टू ड्रीम टूडे ख्वाब देखो क्योंकि पूरे वही होंगे जो ख्वाब देखे जाएंगे राइट right? तो मैं चाहता हूं कि वो ख्वाब देखो आप लिखो वहां पे नाम क्या लिखो वहां पे फ्यूचर सीए फिर अपना नाम लिखो ठीक है राइट डाउन योर फादर्स नेम योर मदर्स नेम है लिखने का कार्यक्रम शुरू हो गया हमारा ओके, okay. उसके नीचे शायद से सभी लोगों को इतना तो पता होगा कि सीए बनने के जर्नी में तीन लेवल्स होते हैं एक होता है सीए फाउंडेशन एक होता है सीए इंटरमीडिएट, एक होता है सीए फाइनल राइट तो सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन सीए फाउंडेशन एज वेल एस सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन साल में तीन बार होते हैं एक होता है जैन में एक होता है मे में इस बार तो जून में हुआ था 2024 में जून में हुआ था लेकिन खैर वो मई में, में होगा आगे चल के और उसके अलावा सितंबर में ऐसे तीन बार होते हैं राइट तो हम लोग कब टारगेट कर रहे हैं ठीक है ट्वेल्थ होने के बाद ही आप टारगेट कर पाओगे उसके पहले नहीं ठीक है तो वहां पे अकॉर्डिंगली लिख के रखो सीए फाउंडेशन का टारगेट कब कर रहे हो ठीक है व्हाट इज योर टारगेट टोटल स्कोर आपको आई होप के चार, चार तो सौ स्कोर करना चाहते हो रेयलिस्टिक लिखना ठीक है ना नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे चार 400 के लिए पढ़ाई भी वैसा करना पड़ेगा ठीक है ना रेडी हो गया <laughs> तो सोचते हुए पहले अपने आप आपको जज कर लो सर मैं कितने देर पढ़ाई कर सकता हूँ है ना उसके मुताबिक लिखना और हाँ कोई सौ डेढ़ भी मत लिखना समझे ना पासिंग ही 200 है तो अपना टारगेट स्कोर लिखो यू हैव फुल आजादी जो आप स्कोर करना चाहते हो जो आप ख्वाब देख रहे हो व्हाट इज द स्कोर दैट यू वांट टू अचीव वो लिखना है वहां पे आपको ठीक है और उसी के नीचे लिखना है टारगेट स्कोर इन अकाउंट्स 100 मार्क का पेपर है 100 मार्क में से कितना स्कोर कर लोगे सर सोच समझ के लिखना ठीक है भले इसे अभी कभी मत लिखो लेकिन इसे लिख के मैं चाहता हूं उसके नीचे आप अपना पहला सिग्नेचर करोगे शायद पहले भी लोगों ने सिग्नेचर किया होगा लेकिन दोस्तों सीए वाला सिग्नेचर हाँ अच्छा सिग्नेचर बनाना ठीक है प्रैक्टिस करना मेरे जैसे और भी बहुत सारे जन होंगे जैसे वो वहां पे सिग्नेचर जो लिखते थे हर बार अलग अलग आता है सिग्नेचर एक समान आता ही नहीं ठीक है ना स्पेशली बॉयज के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होता है ठीक है खैर एनीवेज तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपना अच्छा वाला एक सिग्नेचर मस्त एक प्रैक्टिस करना और वो पहला अच्छा वाला सिग्नेचर यहां पे करना ठीक है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू साइन दिस पर्टिकुलर पेपर एंड सेंड इट टू मी कहा भेजोगे सर आपका एक ग्रुप बना हुआ है आई होप ऑल ऑफ यूर एडेड देर अगर नहीं हो तो प्लीज गेट एडेड टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप ओके okay? और उस ग्रुप में आप लोग इसका मुझे इमेज आज ही सेंड करने वाले हो दैट इज योर फर्स्ट होमवर्क और कुछ लोगों के लिए सेकेंड है ना कुछ बॉयज के लिए आज रजिस्टर बनाना है वही पहला होमवर्क था राइट <coughs> यस right? yes. तो चलिए ये हुआ सबसे पहला हमारा शुरुआत राइट right? तो दोस्तों देखो हमारे एग्जामिनेशन को ना एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड से पुकारा जाता है डू यू नो दैट बहुत ही नेगेटिव वर्ड ऐसा बोला जाता है अटेम्प्ट ठीक है ना मतलब लोग बोलते हैं तेरा अटेम्प्ट कब है

राइट सो डोंट यूज अटेप टारगेट ठीक है अब, sir, मुझे थोड़ा ये भी बता दो क्या क्या है कैसा है, थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, है ना हालांकि बाते पूरी बातें समझेंगे नहीं लेकिन फिर भी बिना जाने आगे बढ़ना भी तो गलत होगा ना तो सर सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं हम लोग चार पेपर्स का सामना करने जा रहे हैं राइट है, है? कौन से चार पेपर अकाउंटिंग लॉ इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स

हे भगवान चलो इकोनॉमिक्स देख के कितने जनों का दिमाग खराब हो रहा है उठे है लड़कियों में से एक हाथ उठा है चलो ठीक है और मैथ्स को लेके सर दो दो हाथ उठा रहे लोग <laughs> चलो 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है तो बाकी बच्चों का कोई दिमाग खराब नहीं होना सर आने दो तो सर कोई गल नहीं <laughs> ठीक है ना अच्छा बहुत बढ़िया ठीक है तो बेटा देखो अकाउंट्स का जो पेपर है ये सौ मार्क का होने वाला है ठीक है बट ये लिखना तो भी मजेदार है सर, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स लिखने कैलकुलेशन करने पड़ते है, तो मजा आता है तो ये तीन घंटे का पेपर होने वाला आपका तीन घंटे में आप सौ मार्क के क्वेश्चन लेकिन अभी पहले दिन एक बात मैं क्लियर कर देता हूं दो से इंस्टीट्यूट ने अपना सिलेबस बदलाया दो से न्यू सिलेबस का पहला एग्जामिनेशन जून ट्वेंटी में हो चुका है ठीक है तो मैंने ये नया सिलेबस आने के बाद ही पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था पहले दिन प्रेडिक्ट कर दिया था कि अब से फाउंडेशन का पेपर लेंदी आने वाला है मैं मैं ये नहीं कह रहा आएगा। मैं कह रहा रहा हूं हूं हार्ड आएगा आने वाला है और जून 24 में यही दिखाई दिया ठीक है तो मैं आप लोगों को आपके लिए भी कह के रख रहा हूं प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अपने को तीन घंटे का पेपर लिटरली ऐसा फील होगा कि चार घंटे का पेपर है जिसको तीन घंटे में खत्म करना है ऐसा फील होगा आपको यह लगेगा कि ये तीन घंटे में कैसे कर सकते हैं सर पॉसिबल ही नहीं है कौन करके दिखा तू करके दिखा भाई पॉसिबल ही नहीं है ऐसा आपको फील होगा ठीक है तो यह पहले ही दिमाग में रखना कि speed, time, है ना? और ये टाइम का मैटर क्या करता है नॉर्मली स्पीकिंग लोग सोचते हैं कि सर मेरे को लिखने में टाइम लगता है नो no, लिखने में टाइम नहीं लगता वक्त का मेन इंपॉर्टेंस है इधर इधर ठीक है आप अगर जल्दी से आंसर सोच पाए तो आप जल्दी से उसे लिख भी पाओगे ठीक तो 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 है तो तीन घंटे में आपको अच्छा खासा लेंथी पेपर लिखना पड़ेगा ठीक है लॉ अगेन डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा इसमें बेचारे मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जिसको सबसे पहले टेंशन है सर अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा का तो बड़ा मुश्किल होगा ना अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा ठीक है ना कुछ अंग्रेज होंगे इंग्लिश बचपन दैट राइट हाँ बाकी कुछ लोग बेचारे गरीब मानूस वो लोग बोलेंगे अरे ये ग्रामर होता है ना उमे तो हम गलती कर देता है

ठीक है ना बहुत ही दिमाग बोर, बोर होता है, बहुत बोर होता है लेकिन हा, हाँ यहां पर जो इकोनॉमिक्स है मच मच मोर इंटरेस्टिंग ठीक है अच्छा इकोनॉमिक्स है मजा आएगा इसमें ठीक है तो लोड मतलब लो ठीक है मैथ से डरने वाले कितने जने नहीं से डर तो नहीं लगता है, है है कुछ लोग है डरने वाले हैं कुछ लोग ठीक है

ठीक तो आपके आंसर फटाफट कैलकुलेटर में आएंगे सो दोस्तों जब सॉल्व करके लिखना पड़ता है ना तो सच में दिमाग खराब होता है लेकिन जब कैलकुलेटर में फटाफट आंसर तो आएगा ना तो मजा आएगा सो डोंट वरी अगर मैथ्स को लेकर डर भी है ना मुनमिट जाएगा खत्म हो जाएगा ठीक है

ऐसा ही लगेगा हमें लेकिन अभी सुलाल देख तो लो मतलब जैसे फ्यूचर में शादी वादी करोगे कि नहीं सर बिल्कुल कैसे बात कर रहे हो हमारे मतलब तो आज ही कर ले सर ओ <laughs> तो भाई हेलो पहले सी ए कम्प्लीट कर लो ठीक है हाँ तो एनीवेज तो शादी करोगे तो बिना शक्ल देखे शादी कर लोगे <laughs> <आ, laughs> वो कुछ भी सर ऐसा थोड़ी होता है तो भैया कम से कम शुरुआत में एटलीस्ट एक फोटो तो देखोगे ना एटलीस्ट

पढ़ाई <laughs> okay? तो <laughs> अरे भैया कोई भी सब्जेक्ट में पहले तो थियरी आएगा ना थोड़ा बहुत अब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या क्या होते हैं ये सब के बारे में हमें थोड़ी ना पता है थोड़ा पहले जान तो लेना होगा है ना तो थियोरिटिकल फ्रेमवर्क से शुरुआत होती है ठीक है मैंने अपने तरीके सोच के रखे हैं कि इसको आपके लिए कैसे इंटरेस्टिंग बनाना क्योंकि है मेरे को मालूम है, कैसा रहता है। मैंने पढ़ाने जा बेटा, आज पढ़ेंगे मुझे very, very <laughs> है? तो ये होगा लेकिन हाँ डोंट वरी अबाउट इट इसके मेरे तरीके मैंने डिस्कवर किए हुए हैं कि कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए इसका आपका पहला टेस्ट बड़ा मजेदार होगा आपका ठीक है अभी सारे सस्पेंस नहीं बताऊंगा रुको अभी ठीक है उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग का प्रोसेस मतलब अकाउंटिंग में करते क्या है सर ठीक है जहां तक मैं समझता हूं अभी आप लोगों ने अपने 11 12 जर्नी में इसी का शुरुआत कर लिया है कि क्या करते हैं ठीक है डेबिट क्रेडिट के बारे में सबको पता है कि नहीं मालूम कितने जन को डेबिट क्रेडिट पता है

Getting me? और में में घुमा भी देगा, में क्या घुमाएगा? ठीक है है है, ना? ना, तो वो जो शौर पूरे के पक्के पक्के जेब में आने वाले मार्क्स है वो तो उसको त्याग मत करना Getting me? हाँ। चलो अब अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर 30 से 35 परसेंट वेटेज है 100 में से लगभग 30 से 35 मार्क इसके ऊपर आने वाले है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जैसे जर्नल एंट्री लेज़र पोस्टिंग, सब्सिडियरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीजें पर आएंगे। इसके साथ साथ एक और टॉपिक आता है जो आपकी इलेवन नहीं है, उसका नाम है इन्वेंटरीज, एक है इसके है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमरी नोट

ठीक है ना सीए बन गए तो पहला क्लाइंट कौन है स्वयं मुकेश अंबानी नहीं नहीं आपके में हो जाएगा क्या मतलब अंबानी अदानी टाटा बिरला ऐसे क्लाइंट नहीं मिलते पहले अपने कोई, आ, वो, वो जो गली में वो जो दुकान है ना वो वो ऐसे डेली नीड्स का दुकान खोल के रखा ये ऐसे वाले छोटे छोटे क्लाइंट्स मिलेंगे आपको पहले ठीक है अब आपको क्या लगता है वो एक पान ठेला है कमाता बहुत है ठीक है ना या उधर ना वो पोहे बेचता है अरे भाई करोड़ों के बेचता है भाई ठीक है ना वो ऐसे वो जो ठेले वेले होते हैं है ना बहुत सारे अरे भाई एक नंबर कमाते हैं वो लोग ऐसा मत समझना कि ठेले वाले तो कमाते नहीं है कमा एक नंबर होती है उनकी ठीक है तो इनके क्रोर्स में कमा रहे हैं ठीक है अभी अभी आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर लेकिन नाउ फ्रॉम पुणे ठीक है बट लेट मी टेल यू वन थिंग नागपुर में आप लोगों ने भी देखा होगा ठीक है हम लोग बचपन से हम लोग वहां पे बचपन नहीं आ, लेकिन जाते थे एक वहां पे चाय वाला हुआ करता था आप लोगों ने देखा भी होगा शायद रोल्स रॉयस खरीदा है भाई ने रोल्स रॉयस इमेजिन चाय की टपरी ठीक है ना तो देखना भैया आप लोग भी देखोगे सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था इनका कॉन्टेंट तो एनी वेज तो आ, ये जो होता है ये ऐसे कोई तो भी अपने को क्लाइंट मिले ठीक है अब वो रॉय्स रॉयस में घूम रहे हैं लेकिन क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई इसको ना पूरा अकाउंटिंग समझता है इसको डेबिट क्रेडिट भी समझता है इसने पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होंगे सब प्रॉपर लिख के रखा होगा अगर सब कुछ किया तो हमारी क्या है, मेरी बात को। से हमारे चलने वाली है और वो हमारे पास आएंगे आगे बोलेंगे आप इसको प्लीज कंप्लीट करके दे दीजिए फिर हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे तो जरा समझो ज्यादा से ज्यादा आपके पास ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आएंगे जिनो, कम, जिनको आपको करना होगा कंप्लीट अब वो कैसे किया जाता है, है किए जा सकते हैं आप चाहो तो अकेले तनहा बिजनेस करो या चाहो तो पार्टनरशिप भी बिजनेस कर सकते हो जिसमें आप लोगों ने शायद सुन रखा हो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सुना है? हल्का फुल्का ललप तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऐसे फॉर्म में भी बिजनेस कर सकते हो तो इनकी अकाउंटिंग में क्या अलग होगा सर देखना पड़ेगा इनके लिए अलग एक्ट बना हुआ है पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी एक्ट तो उनके मुताबिक देखना पड़ेगा कैसा किया जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे माना जाता है वो है कंपनी अकाउंट बिजनेस सबसे ज्यादा आज के डेट पे वाइडली हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंपनी तो कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट तांगड़ाता है तो कंपनीज एक्ट बताता है कि इस तरह से अकाउंटिंग करना है ठीक है तो ये सब चीजें मिला बनता है टोटल हमारा सीए फाउंडेशन का सिलेबस ठीक है ओके okay, तो ये जान लिया कि क्या-क्या है कितने टॉपिक्स है तो छोटे-मोटे टॉपिक्स तो नहीं है अपन बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले तो सर हम लोग जो शुरुआत करेंगे ना इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग अच्छा खासा वक्त लेंगे ठीक है इसमें आपको दो फायदे होंगे कौन से दो फायदे फायदा नंबर 1 हमारा बेस पक्का हो जाएगा फायदा नंबर 2 11th में स्कोर अच्छा आएगा ठीक है तो ऐसे दो चीजें हो जाएंगे क्योंकि इलेवंथ में चलो आप लोग पढ़ तो लोगे कि करना क्या है लेकिन उसका एक्चुअल किसी भी रिलेटेड कोई भी जगह पे आप कुछ भी पढ़ो, concept, में जितना कवर्ड है ईजी तो तो हो जाएगा आपके लिए ठीक है यस सर तो okay? हां जी अब सिलेबस के साथ साथ मैं आपको थोड़ा ये भी बता दूं कि कैलकुलेटर एग्जामिनेशन ठीक है आप लोगों सबको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि कैलकुलेटर खरीदने से पहले एक बार मुझसे डिस्कस कर लेना ठीक है मैं आपको कैलकुलेटर दिखा रहा हूं यही वाला कैलकुलेटर खरीदना और कोई कैलकुलेटर खरीदना मत यही वाला कैलकुलेटर खरीदना ठीक है कैशियो का ये कैलकुलेटर है देखो कैलकुलेटर में आगे चल के आप लोग कुछ कुछ शॉर्टकट वगैरह भी सीखोगे ठीक है तो वो कैलकुलेटर शॉर्टकट्स के लिए कुछ बटन होना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है तो ये देख लो, आप लोग और यही वाला कैलकुलेटर खरीदना ठीक है आप लोग अगर देख रहे हो इस कैलकुलेटर के बटन को तो यहां पर आपको एक रूट का बटन दिखाई दे रहा है राइट जरूरी बटन और माइनस का बटन नहीं कहा जरूरी है इसके अलावा अगर आप देख रहे हो तो एम प्लस एम माइनस एमआरसी दिखाई दे रहा है ये बटन होना आपके लिए जरूरी है ठीक है इसके अलावा एक जीटी जीटी का मतलब होता है ग्रैंड टोटल वो ग्रैंड टोटल होना जरूरी है परसेंट का बटन होना जरूरी है और एक एमयू करके दिखाई दे रहा है एमयू मू है ना उसका मतलब होता है मार्क अप ठीक है सोशल मीडिया वाले एमयू का मतलब मिस यू मत समझ लेना ठीक है एमयू का मतलब होता है मार्क अप। ओके? तो ये वाले बटन आपके होने जरूरी है ठीक ठीक है है इसकी मदद मदद से से बड़े-बड़े इस की हो जाएंगे आपके तो तो यही खरीदना खरीदना और कोई मत right? चलो एग्जामिनेशन तो, अब इससे थोड़ा डिफिकल्टी ये जाएगी कि इलेवन ट्वेल्थ में तो हमें कैलकुलेटर अलाउड है नहीं और सी फाउंडेशन में है तो सर हम करे तो करें क्या ठीक है

अब सर इसके अलावा हमें पढ़ना कहां से है अब जाहिर सी बात है सबके पास अभी तक इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल नहीं है मेरे भी बुक्स नहीं है आपके हाथ में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इनिशियल 10 से 15 दिन हमारे पास कोई बुक नहीं रहेगा मैंने क्या कहा हमारे पास कोई बुक रहेगा ही नहीं वी रेफर टू एनी बुक ठीक है दस से पंद्रह दिन

ठीक है, बट दस से पंद्रह दिन तक उसके बाद आपके पास मेरे बुक्स आ जाएंगे ठीक है हां जी, उससे पहले मैं ये बता आप लोगों को कि क्या-क्या करता है, कहां से क्या क्या पढ़ना है तो सभी लोगों को शायद अभी तक जो वेबसाइट होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस आईसीए डॉट ओ आरजी सर आईसीए क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ठीक है कोई है जिसको ये पहली बार पता चला आईसीएआई का फुल फॉर्म नहीं थैंक गॉड बच गए बाबा। <laughs> चलो, है ना? में आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा बॉस बॉस बोले तो बोर्ड ऑफ स्टडीज BOS, ठीक है तो बोर्ड ऑफ स्टडीज ऐसा एक सेक्शन दिखाई देगा आपको वहां जाना है वहां पर आपको ये चार तरह के चीजें दिखाई देंगे कौन से चार तरह के चीजें नंबर वन आपको दिखाई देगा मॉड्यूल दिस इज द मेन स्टडी मटेरियल ठीक है यहां पर सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है मॉड्यूल के दर्शन अगर करा दो तो ये कुछ इस तरह का रहेगा दो मॉड्यूल होंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए हुए ठीक है. है बाकी मेरी तरफ से आपको और दो मिलेंगे जो मेरी किताब है ठीक है बट एनीवेज ये मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का दिया हुआ ठीक है दर्शन कर दो ठीक है ये कुछ इस तरह का है इंडेक्स ही है भाई अभी बाप रे सर इंडेक्स इतना बड़ा है अरे बाबा रे इतना बड़ा है सर ये भगवान नहीं बढ़ू मैं नहीं बढ़ूंगा मुझे नहीं पढ़ना है सर ठीक है ना तो ऐसा कुछ लोग ऐसा रिएक्शन आता है और कुछ लोगों को ना नया बुक है तो उसकी खुशबू बढ़िया लगती है है ना हा 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 सर मस्त है सस्मेल है ना बस वो खुश भी अच्छी लगती है बाद में पढ़ने की इच्छा नहीं होती वो अलग बात है ठीक है ना तो एनी तो ऐसा होता है कुछ हमारा मॉड्यूल ठीक है उसके अलावा आपको ये नाम दिखाई दे रहा है आर टी पी एम टी पी का होता है सर आर टी पी का मतलब होता है रिवीजन टेस्ट पेपर रिवीजन टेस्ट पेपर साल में तीन बार एग्जाम होता है तीनों एग्जाम के पहले इंस्टीट्यूट रिलीज करता है एक आर टी पी इस आरटीपी में से बहुत सारे क्वेश्चन छपने के चांसेस हो जाते है। है? तो तरह से देख लेना पड़ता है कभी कभी क्या करते हैं इस बार के आरटीपी की जगह पिछले बार के आरटीपी से पूछ लेते हैं तो हम लोग पास्ट कुछ आरटीपी को कवर करना जरूरी होगा रिविजन टेस्ट पेपर ठीक है ओके। हर

तो भैया लेट मी टेल यू इधर वो पूरी भड़ास निकालने वाले हैं पहले बता रहा हूं मैं ठीक है यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में पूछेंगे तो अगर मैं बोलूंगा कि सर मैं तो मेरे दोस्त के भरोसे जा रहा हूँ पता चला दोस्त ने हाथ उठा लिया अरे भाई तुम्हें कुछ नहीं आता तो ऐसा ना हो है ना तो पूरी तरह से तैयारी रख के जाना इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ट्रू एंड फॉल्स दो दो मार्क के होंगे और छह क्वेश्चन आने वाले यानी बारह मार्क का ट्रू एंड फॉल्स आने वाला है फॉर श्योर ठीक है यहाँ पे स्कोर करना बहुत आसान है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो और प्लीज नोट कि यहाँ पे सिर्फ ट्रू या सिर्फ फॉल्स लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे रीजनिंग भी लिखना पड़ेगा

बीस मार्क का आने वाला है लेकिन उसके सब क्वेश्चन कितने होंगे ये गारंटीड नहीं है ये कुछ भी हो सकता है अब कहां से पूछेंगे ठीक से से है, पूछ है तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको ठीक है अभी तो सर फिलहाल सिर्फ दर्शन ले लो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन है ठीक है अभी फिलहाल कुछ नहीं समझेगा सिर्फ देख लो एक बार ठीक है ना ऐसा होता है कुछ ठीक है ये ऊपर दिख रहा है आपको सीपीएफ ये दिख रहा है इधर लिखा है CPF. सर ये क्या होता है ये होता है कोडिंग सर कोडिंग मतलब क्या होता है आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तो इस तरह का कोई एक क्वेश्चन पेपर नहीं जाएगा वहां पे वहां पे तीन से चार सेट जाते हैं ठीक है तीन से चार अलग अलग क्वेश्चन पेपर जाते हैं फिर लास्ट मोमेंट में इंस्टीट्यूट रिलीज करता है कि कौन से कोड वाला सेट अपने को तोड़ने का है तो वही वाला आपके सामने आपके हाथ में आएगा मतलब आपके साथ पास तीन से चार क्वेश्चन पेपर होंगे उनमें से कोई एक आएगा वो डिपेंड करेगा इस तो भैया क्वेश्चन पेपर ठीक है दिखने में थोड़ा बोरिंग है ना सर पढ़ाई के तो हर चीज बोरिंग लगती है सर वैसे हमें है है कि नहीं चल ठीक सो दैट्स इट तो इसके बारे में हमें एक आइडिया मिल गया कि हमें क्या पढ़ना है कहां से पढ़ना है किस तरह से पढ़ना है राइट तो ये चीज में आज मैं उम्मीद करता हूं आज हमारा सेशन स्टार्ट भी हुआ थोड़ा सा लेट

मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा सर अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछे अरे नहीं रे बाबा टेंशन क्यों लेते हो ठीक है अकाउंट्स के क्वेश्चन नहीं आपके बारे में जनरल कुछ बातें ठीक है और उसके बाद धीरे धीरे हौले हौले, हौले हम लोग शुरू करेंगे विथ आवर सिलेबस ठीक है चलो ठीक है तो आई होप फर्स्ट सेशन वॉज नॉट वेरी बोरिंग और वेरी डल फॉर ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू एंजॉय द फर्स्ट सेशन ठीक है मेरा स्पीड ओके है स्पीड ठीक लग रहा है सभी को ठीक है भाषा जो का जो प्रयोग कर रहा हूं आई होप दैट इज ओके ठीक है यहां पे कितने जनों को हिंदी सबको हिंदी में कितने जन कंफर्टेबल हो ऑल ऑफ यू वेरी गुड इंग्लिश में कितने जन कंफर्टेबल हो uh... <laughs> अच्छा तो टेंशन मतलब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करूंगा दोनों का प्रयोग करूंगा साथ ही साथ अच्छा मराठी में कितने जन कंफर्टेबल हो अरे वाह

रजिस्टर लेना है और वो नाम वगैरह लिख के उसका साइन करके पिक लेके मुझे भेजना है सबको राइट चलो ठीक है लेट्स सेंड इट हियर देन, ओके सी यू ऑल बाय बाय